जापान में आए भूकंप के कारण अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के जो एपिसोड हैं यानी 14 जो एपिसोड है उसको डिले किया गया और एटलीस्ट 17 मिनट का एपिसोड रिलीज किया गया जो 14 एपिसोड है फाइनल सीजन का। और अटैक ऑन टाइटन के मेकर्स ने कहा है कि आने वाले जो भी एपिसोड हैं वो थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, मे बी 1 वीक वो डिले हो सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, वहां सब सही रहे यही दुआ करते हैं। एट दी एंड एपिसोड तो आ ही जाने हैं। 13 और 14 एपिसोड के दोनों की अगर एक साथ बात करूं, जहां पर मैं बस ये जानना चाह रहा था कि यार एरन के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अब तक इससे किसी ने सही ढंग से बैठकर बात नहीं की है। जितना भी लोगों ने इसके लिए किया, जिन्होंने अपनी जान इसके लिए दी, इसको बचाने के लिए हमेशा आगे रहे, क्या ये सब कुछ भूल चुका है? जो इस हद तक वो जा चुका है कि लोगों को मारने के मतलब बिल्कुल भी वो हिचकिचा नहीं रहा। 13 एपिसोड के एट दी एंड हमें दिखाया जाता है कि एरन जो है वो मिकासा और आर्मिन दोनों से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, और ये उम्मीद मेरे अंदर जगी कि यार हाँ एटलीस्ट अब यहां पर कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये बताएगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों हुए हैं और क्या ये सोच रहा है। और जब ये 13 एपिसोड खत्म होता है तब मुझे उम्मीद होती है कि 14 एपिसोड में अब चीजें, उसका एक्साइटेड था कि 14 एपिसोड आएगा और बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। और 13 एपिसोड में लिवाई भी ये सोच रहा होता है कि यार जो भी उसने किया एरन को बचाने के लिए, जितनी बार भी उसने उसकी जान बचाई, क्या वो सब बेवजह थी, बेमायना थी, कोई उसका मतलब नहीं था? कि इतना चेंज आ गया, वो इतना मतलब अगेंस्ट हो चुका है सबके। और जो 14 एपिसोड की जैसे शुरुआत होती है जहां पर एरन जो है वो इमिकासा और आर्मिन से बात करता है और अपनी सोच बताता है, तो भाई साहब इस बंदे का दिमाग ही चेंज हो चुका है भाई, अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है जहां पर ये फ्री फ्री की बातें कर रहा है कि अब मैं फ्री हूं, तुम्हारी तरह गुलाम नहीं हूं। एरन आर्मिन को कहता भी है कि जो तू ये एनी से मिलने जाता है वो किस लिए जाता है, तेरे को ये कोई कहता है या फिर तू अपनी मर्जी से जाता है? वो उसको ये बताना चाह रहा है कि जो बैटलर्ट की जो मेमोरीज हैं, मैंने उसका सही से नाम लिया हो, जो बैटलर्ट की जो मेमोरी है, जो टाइटन हुआ करता था कोलोसल टाइटन जो अब आर्मिन के पास है, जब उसकी जो मेमोरीज हैं वो तुम पर हावी हो रही हैं। और यही सेम टू सेम बात कहता वो मिकासा, क्योंकि जो मिकासा की जो कम्युनिटी है उनकी एक ही आदत है, एक ही मतलब ये है कि वो ऑर्डर फॉलो करती हैं। और जब बचपन में एरन ने मिकासा को कहा था कि तुम्हें मारना ही होगा, तुम्हें लड़ना ही होगा, तो उसके अंदर जैसे वो एक एनर्जी आती है, करंट सा दौड़ता है, तो वो उसके कहने पर जैसे वो मारने पाती है, तो ये कहता है कि तुम्हारी जो कम्युनिटी उनकी हमेशा से यही उनको सिखाया गया कि ऑर्डर वो फॉलो करें, और तभी देखो तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करती हो। लेकिन मानो अलग ही लेवल की कहानी चल रही है 14 एपिसोड के अंदर, या मैं कहूँ फाइनल सीजन के अंदर। अब तो इतना यकीन हो गया कि जब ये 14 ये पूरा का पूरा सीजन खत्म होगा, फोर्थ सीजन, तब ये समझ लेना यार कहानी कहाँ से शुरू की थी और एकदम उल्ट गई है कहानी, कहाँ जाके खत्म होगी कोई भी आइडिया नहीं। और अब तो सोचने पर भी ये कि यार आने वाले एपिसोड में ऐसा होगा कुछ भी, एकदम ब्लाइंड है। एक बहुत बढ़िया चीज है कि कुछ भी मतलब व्यूअर्स को पता ना चल पाए कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, बस वो वेट करे और देखे कि हाँ यार ऐसा होने वाला है, मतलब एक अच्छी चीज तो है यार ये। और जब मैं 14 एपिसोड देख रहा था तो बार बार ऐसे टाइम को देख रहा था यार 17 मिनट खत्म ना हो गया, 17 मिनट रहे तो खत्म ना हो गया, ऐसे दिल में बार बार इच्छा हो रही थी कि यार ये थोड़ा और हो जाए और हो जाए। और मतलब जब ये खत्म हो रहा होता है एट दी एंड जो इसके 14 एपिसोड में जब दिखाया जाता है, तो बस ऐसी इच्छा होती है कि यार अभी थोड़ा सा और यार प्लीज थोड़ा सा और दिखा दो यार। फिर यही मतलब वही है ना कि यार मन को फिर भी मारना ही पड़ता है, कोई ना चलो आने वाले टाइम में एपिसोड आ जाएंगे उनको देख लेंगे, लेकिन यार फिर दिल को बहुत मुश्किल होता है ये समझाना कि यार कैसे कैसे कंट्रोल करें इस चीज को। 17 मिनट के इस एपिसोड में भाई साहब दिखाया बहुत कुछ गया है, जैसे कि ये नंदे का वाकर का お前と俺じゃ本当になんねえからだよ。एरन को आर्मिन को पीटना, भाई साहब किस लेवल पे चली गई है यार इस इंसान की सोच। फ्री फ्री क्या जो इसने कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है, कौन फ्री, किस लिए फ्री, कहाँ की सोच। सच में मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं जो कुछ कह ही नहीं रहा कौन सही कौन गलत। भाई साहब जब आएगा टाइम तभी पता चलेगा कि किसने क्यों किया है, क्या वजह थी, अभी इसमें कुछ वजह भी पता नहीं चलती है। और सबसे बेस्ट सीन जो मुझे 14th एपिसोड का लगा वो ये वाला लगा। どこだ!
ちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。कोई इस इंसान को ये समझा दो कि भैया लीवाई से पंगे ना लो, बहुत महंगा पड़ता है। मैं मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी हैं, लीवाई से बहुत बार पिट भी चुका है, फिर भी इसको फिर भी पंगे लेने इस इंसान के साथ। खैर जब आप देखोगे तो जैक के फेस पे डर दिखता है कि यार वो आ गया है, वो मार देगा। मतलब ये बीस्ट टाइटन में जब कन्वर्ट होता है वो वाला सीन मेरे को इतना जबरदस्त लगता है, इतना डर, मतलब टाइटन होके खौफ खा रहा है एक इंसान से। और जो वाइन का जो इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि वाइन जो है लगभग सभी सोल्जर्स को पिला दी गई है, जिसके अंदर जो जैक का स्पाइनल होता है, जिससे वो जब भी जैक को मतलब चीखेगा तो ये सारे के सारे टाइटन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाला जो इसके अंदर दिखाया गया, जो लीवाई के जो सैनिक थे वो सारे के सारे जो हैं वो उस टाइटन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अब तो सच में यार कुछ नहीं पता कि ये खेल किसके हिस्से में जाने वाला है, कौन जीतने वाला है। और जैक कहता भी है कि यार मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ लीवाई, तुम नहीं समझोगे। और ये बात वो है, वो इसकी बातें मतलब एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं ये सब बातें। एरन से कह रहा होता है कि तुम ही इस चीज़ को समझ सकते हो और कोई नहीं समझेगा। खैर आने वाले एपिसोड बताएंगे कि वो क्या बात थी, कि क्या उसने ऐसा कहा एरन को कि एरन में इतना चेंजेस आ गया, और वो कौन सी चीज़ें हैं कि वो सबको मारने के ऊपर उतावला हो चुका है। तो आने वाले एपिसोड के लिए वेट करते हैं कि यार हाँ अब तो यार कैसे वेट कर ले यार, तो ये समझ नहीं आ रहा यार, इतना एक्साइटमेंट तुम उस लेवल पे लाके छोड़ दे रहे हो, हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट करके रखी है कि यार वेट ही नहीं हो रहा, अब तो इलाज भी तो कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।